Good morning, students. Today we will learn how to write an email. Okay? Email means electronic mail, which we send through a computer. जिसे हम कंप्यूटर और मोबाइल से सेंड करते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हमें किसी पेपर पेन और एनवलप की नीड नहीं होती. ओके, वी विल राइट एन ईमेल ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स. फर्स्टली वी रीड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सेकेंड, ड्रॉप प्रॉपर लेआउट. जो लेआउट है आपका प्रॉपर होना चाहिए. वो कैसा होना चाहिए अभी मैं आपको शो करूँगी उसको. नेक्स्ट, राइट केयरफुली द डेट, द सेंडर एड्रेस, द रिसिप्ट एंड एड्रेस एंड सब्जेक्ट. और जो आपकी डेट है, सेंडर का एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस है और सब्जेक्ट है, वो प्रॉपरली आपका केयरफुली लिखा हुआ होना चाहिए. मीन्स उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो हमारा जो ईमेल है वो सेंड नहीं होता है. वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगी. यूज़ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. और आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यूज़ करने हैं, यूज़ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न. और जो पंचुएशन मार्क्स हैं वो भी आपको प्रॉपरली यूज़ करने हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ स्लोगन, एब्रिविएशन, कंट्रैक्शन. इट इज़ नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम. और आपको कोई भी एब्रिविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है. जस्ट आपको एग्जाम्पल्स में दिए, बिकॉज की जगह आप बी और कॉज यूज़ नहीं करेंगे, यू की जगह यू यूज़ नहीं करेंगे. ओके, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है जब आप कोई ईमेल लिख रहे हैं, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को प्रॉपरली समझ सके. तो एब्रिविएशन अगर आप यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो मे बी कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, यूज़ सिंपल वोकैबुलरी एंड शॉर्ट पैराग्राफ. सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ करना है आपको. और जो पैराग्राफ्स होंगे तो आपको एक ही पैराग्राफ में अपनी बात को कंप्लीट नहीं करना है. मीन्स अगर कोई बड़ी बात आप कर रहे हैं, कोई लंबी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ही पैराग्राफ यूज़ करें. आप शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करेंगे, आप 2-3 पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं. एंड योर ईमेल विद अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और उसके बाद जब आप पैराग्राफ, आपकी जो बात है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे. मीन्स अगर फ्रेंड को या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ना, योर ट्रूली, योर लवेबल. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपको पुट सिग्नेचर एट द बॉटम, यानी कि आपको सिग्नेचर या अपना नाम वहाँ पर बॉटम में नीचे लिखना है. रिमेंबर दैट द एड्रेस, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस डू नॉट कंटेन कैपिटल लेटर स्पेस बिटवीन लेटर एंड वर्ड. तो इसमें आपको क्या है कि जो सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस है उसमें कोई भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है, ना ही स्पेस देना है. क्यों? क्योंकि जो सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस होता है वो हमारी ईमेल आईडीज होती हैं, और उसमें ना तो कैपिटल लेटर यूज़ करना है हमें और ना ही हमें स्पेस देना है. ओके, नाउ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द बोर्ड. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. Firstly, we write date when email is returned, and today is 23rd September 2020. Next, we write sender's name in the column of from, means sender जो कि भेज रहा है. मैं अगर email send कर रही हूँ तो मैं अपनी ID उसमें mention करूँगी. मैंने mention की हुई है pinkythakur@gmail.com. And next is receiver address 2. In the column of 2, we राइट डाउन रिसीवर एड्रेस. मीन्स जो उसको रिसीव करेगा, जिसको मैं भेज रही हूँ. मैं किसको सेंड कर रही हूँ? मैं अपनी फ्रेंड को सेंड कर रही हूँ, और मैंने उसकी आईडी उसमें डाल दी है. ओके, और आपने देखा इसमें मैंने जो डाली है आईडीज, उनमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है. तो हम जो आईडीज बनाते हैं, आईडीज डालते हैं हमारी जी में, जो भी आईडी होती है, तो उसमें कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते. हम सारे ही लेटर स्मॉल यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हम मेंशन करेंगे जिस टॉपिक पे हम ईमेल लिख रहे हैं. तो मैं अपनी फ्रेंड को किस लिए लिख रही हूँ? मैं उसको अपने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ. तो मैंने सब्जेक्ट में डाला है मई फेयरवेल पार्टी. नेक्स्ट, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम डालेंगे जो भी हम उसे, मतलब फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो डियर. ठीक है, उसके बाद हम अपना जो टेक्स्ट मैसेज है, जो हम लिखना चाहते हैं, वो हम वहां पर मेंशन करेंगे मैसेज के प्लेस पर. एंड
नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जब हमारी बात पूरी हो गई है तो हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि जो जिसको हम लिख रहे हैं वो हमारा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, या अपने फादर मदर, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो उसमें आप डालेंगे। तो मैं अपनी फ्रेंड को लिख लूँ तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में डाला योर फ्रेंड। आप योर लविंग फ्रेंड भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम डालते हैं सेंडर नेम, मीन्स अगर सेंडर में हूँ तो मैंने वहां पर अपना नेम मेंशन किया है। ओके, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ईमेल। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा।